दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसमें बात करेंगे कि सीमेंट कंपनी में कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो इसमें दो पार्ट होंगे, एक तो फ्रेशर्स के लिए और एक जो एक्सपीरियंस जिन्होंने ले लिया है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो फर्स्ट में फ्रेशर्स के लिए हम डिस्कस करेंगे कि आपको सीमेंट के बारे में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो देखिए, सीमेंट का रॉ मटेरियल क्या है? इसका रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन रॉक की फॉर्म में होता है। हम उसे अगर निकालने के लिए उसमें पहले ड्रिल करके उसके अंदर विस्फोट करते हैं, फिर रॉ मटेरियल को हम जैसे ट्रक में भर के उसको वापस आगे वाले प्रोसेस के लिए हम लेके जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ओपीसी और पीपीसी, ये दो सीमेंट होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ओपीसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी का होता है पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। तो ओपीसी में हम लाइमस्टोन के साथ जिप्सम ऐड करते हैं और पीपीसी में हम लाइमस्टोन के साथ फ्लाई ऐश ऐड करते हैं, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट का जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है फ्लाई ऐश, उसको ऐड करते हैं। इसके बाद सीमेंट कैसे बनाया जाता है, सीमेंट की प्रोसेस हम देख लेते हैं। फर्स्ट में हमने लाइमस्टोन लिया, उसको हमने क्रश कर दिया, उसकी साइज़ को रिड्यूस कर दिया, उसके बाद उसको हीट कर दिया। हीटिंग का टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीट करने के बाद उसको फिर से ग्राइंड कर दिया और फिर हमारा ये सीमेंट यहाँ पे पैक कर दिया। तो ये इसका प्रोसेस होता है। इसके बाद हाउ मच सीमेंट इज़ प्रोड्यूस इन इंडिया पर ईयर, तो उसका है 500 मेगाटन का सीमेंट एक साल में इंडिया बनाता है। सेकेंड नंबर पर आता है चाइना के बाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर मुझे लगता है क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बूम होना बाकी है क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंडिया में आने वाले सालों में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतें, महल, रोड, डैम, ये सब चीज़ें इंडिया में बनेंगी, इसलिए इसमें एक बिल्डिंग मटेरियल की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। तो सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो होने वाली कंपनी है, एवर ग्रीन कंपनी मैं इसे मानता हूँ। इसके बाद है कि लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है, सभी को पता होगा अल्ट्राटेक सीमेंट है। ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है तो उसे आपको निराश नहीं करना है। और टोटल कितनी कंपनियां इंडिया में सीमेंट की, रफली 200 के आसपास कंपनियां हैं, आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं। इसके बाद कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स उनके लिए, देखिए व्हाट इज डीसीएस, एमआरएसएस एंड स्कैडा, तो ये ना तीनों इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि आपने सीमेंट इंडस्ट्री में काम किया है। ये आपका एक रूम के अंदर होता है, तीनों का सिस्टम होता है, और स्कैडा कंप्यूटर स्क्रीन को हम बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम और ये आपका मेन रिसीविंग सब स्टेशन, इलेक्ट्रिकल वालों को अच्छे से पता होगा, ये स्कैडा एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसके जरिए हम ऑपरेट करते हैं हमारे पूरे पावर प्लांट को। मतलब कि जितना भी आपका पूरा पावर प्लांट है ना फिजिकली, जैसे आपका कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, वो सबका सिस्टम एक रूम के अंदर आ जाता है, एक कंप्यूटर स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। वो सब आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन में दिखेगा कि कौन कौन सी मोटर चल रही है, कौन सा घूम रहा है, कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर, सब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा, ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप यहाँ से उसको ऑपरेट कर सकते हो, किसी मोटर की आपको आरपीएम बढ़ानी है, कम करनी है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मेंटेनेंस का भी सब कुछ यहाँ से आपको पता चल जाता है। इसके बाद वर्किंग ऑफ सेपरेटर जो आपका सीमेंट पावर प्लांट है उसका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है सेपरेटर। ये क्या करता है, आपका कोर्स पार्टिकल है उसको फाइन पार्टिकल से सेपरेट करता है। जो हमारे फाइन पार्टिकल है वो उसको हम सीमेंट बोलते हैं, जो कोर्स पार्टिकल है उसको वापस ग्राइंड करने के लिए भेज दिया जाता है। तो सेपरेटर के अंदर एक फैन होता है जो उस जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है सेपरेटर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। जो कोर्स पार्टिकल है वो आपके वापस बॉल मिल में यहाँ से भेज दिया जाता है, जो फाइन पार्टिकल है उसकी हम पैकिंग कर लेते हैं सीमेंट के फॉर्म में। तो आप इसको नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। बर्किंग और बैग हाउस, देखिए आप सीमेंट पावर प्लांट में आपको बहुत ज़्यादा बैग हाउस दिखेंगे, बैग फिल्टर दिखेंगे, उनका सेम फंडा यही है क्योंकि सीमेंट प्लांट में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो हम इस डस्ट को वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम इस डस्ट को ही हम सीमेंट बोलते हैं। डस्ट में जो कोर्स पार्टिकल है उनको सीमेंट बोलते हैं, और फाइन जो, और इसमें एक फ्रेश एयर होती है और आपके क्या होते हैं और सीमेंट होता है, तो ये डस्ट अगर हम इसको वेस्ट करेंगे तो एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट करेगी और जो हमारे वर्कर हैं वो भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हम बैग हाउस लगाते हैं इसके लिए। तो बैग हाउस क्या करता है, जो डस्ट है उसको कलेक्ट कर लेता है। जो बैग हाउस आपका इस टाइप से होता है दिखने में, तो इसमें क्या होता है, ये आपके बैग लगे हुए होते हैं और तो इसमें जो डस्ट ऐसे चली जाती है, डस्ट चली जाने के बाद इसका जो नीचे का पोर्शन है उस पर आपको यहाँ पे जो कोर्स पार्टिकल है वो सीमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ये हम यहाँ से निकाल के इसकी पैकिंग कर लेते हैं और इसमें फ्रेश एयर बचती है। डस्ट का जो मिक्सचर, डस्ट को हम क्या, डस्ट में क्या क्या होता है कि सीमेंट और एक होती है आपकी फ्रेश एयर, तो जो फ्रेश एयर है उसको हम चिमनी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो बैग हाउस का काम सिंपल ये है कि सीमेंट को अलग करना फ्रेश एयर से।
इसके बाद वर्किंग ऑफ बॉल मिल, बॉल मिल का काम आपका होता है ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग ये करती है, जो आपका लाइम स्टोन है उसके साथ हम जिप्सम ऐड करते हैं और उसको बॉल मिल के अंदर भेज देते हैं, तो वो उसकी साइज को रिड्यूस कर देती है और उसको ग्राइंड कर देती है। इसका जो आउटपुट होता है वो सीमेंट होता है। तो ये इस वीडियो में था सीमेंट के बारे में, आपको ये कुछ जो कुछ नॉलेज आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको फ्रेशर्स हो तो ये थोड़ी बहुत जो आपकी जनरल नॉलेज है सीमेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और भी अगर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो मैंने बताया इनके ऊपर आप बॉल मिल, वर्किंग, सेपरेटर, इनको नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं किसी अन्य दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चाहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।